हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एवोगैड्रो कॉन्फिगर करना, अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की लंबाई नापना, अणुओं में फोर्स डिस्प्ले टाइप और डाइपोल मोमेंट्स दिखाना। यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ उबंटु लिनक्स ओएस वर्जन 14.04, एवोगैड्रो वर्जन 1.1.1 और एक कार्यरत इंटरनेट कनेक्शन। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको एवोगैड्रो इंटरफेस से परिचित होना चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। आपके लिए इस ट्यूटोरियल में प्रयोग की गई संरचनाएं कोड फाइल्स की तरह दी गई हैं। मैंने एक नई एवोगैड्रो विंडो खोली है। ड्रॉ टूल आइकन पर क्लिक करें और फिर पैनल पर क्लिक करें। मीथेन पैनल पर आ जाता है। अब हम एवोगैड्रो को कॉन्फिगर करना सीखेंगे। सेटिंग्स मेन्यू पर जाएं और कॉन्फिगर एवोगैड्रो पर क्लिक करें। सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स आता है। डायलॉग बॉक्स में एक साइड मेन्यू है जिसमें और तीन मेन्यू आइटम्स हैं, जनरल, प्लगइन्स, प्रोजेक्ट ट्री। डिफॉल्ट रूप से जनरल मेन्यू ही चुना जाता है। जनरल मेन्यू में दो स्लाइडर्स हैं, क्वालिटी और फॉग। आप जैसे ही स्लाइडर को लो से हाई की तरफ खींचते हैं तब रेंडरिंग की गुणवत्ता बढ़ जाती है। क्वालिटी स्लाइडर को लो पर लाएं और अप्लाई आइकन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि संरचना ठीक प्रकार से रेंडर नहीं हुई है। क्वालिटी स्लाइडर को हाई पर लाएं और अप्लाई आइकन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि उच्च गुणवत्ता की रेंडरिंग से अणु ज्यादा चमकदार प्रतीत होते हैं। इमेजेस प्रकाशित करने और प्रिंट करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली रेंडरिंग सेट की जाती है। ये ज्यादा सीपीयू पावर व्यय करता है। क्वालिटी स्लाइडर को मीडियम पर लाएं और अप्लाई पर क्लिक करें। सामान्य रूप से देखने के लिए मध्यम गुणवत्ता की सेटिंग्स ठीक काम करती है। अब फॉक्स स्लाइडर को लॉट्स पर लाएं और अप्लाई पर क्लिक करें। ध्यान दें कि संरचना धुंधली या अस्पष्ट हो गई है। फॉक्स स्लाइडर को सम पर लाएं और अप्लाई पर क्लिक करें। संरचना स्पष्ट दिखाई देती है। अब प्लगइन्स मेनू डिस्प्ले टाइप्स ड्रॉप डाउन दिखाई देते हैं। ध्यान दें कि सारे चेकबॉक्सेस सक्रिय हैं। एक्सिस पर क्लिक करें। एक्सिस डिस्प्ले टाइप के बारे में विवरण डिटेल्स टेक्स्ट बॉक्स में प्रदर्शित है। इस तरह आप अन्य डिस्प्ले टाइप्स का विवरण देख सकते हैं। मैं सारे चेक बॉक्सेस अनचेक करूंगी और अप्लाई बटन पर क्लिक करूंगी। डिस्प्ले टाइप्स मेनू में अकेला बॉल एंड स्टिक चेकबॉक्स ही दिखाई देता है। बॉल एंड स्टिक डिस्प्ले टाइप चेकबॉक्स को अनचेक करें। यदि बॉल एंड स्टिक भी अक्रिय है तो अणु पैनल से गायब हो जाते हैं। डिस्प्ले को सक्रिय करने के लिए बॉल एंड स्टिक चेकबॉक्स पर क्लिक करें। सभी डिस्प्ले टाइप्स को सक्रिय करने के लिए प्लगइन्स पर जाएं। डिस्प्ले टाइप्स ड्रॉपडाउन में सारे चेकबॉक्सेस पर क्लिक करें। अप्लाई बटन पर क्लिक करें। डिस्प्ले टाइप्स ड्रॉपडाउन में सारे डिस्प्ले टाइप्स प्रदर्शित हैं। सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए ओके पर क्लिक करें। यदि डिस्प्ले टाइप्स मेनू में से कोई डिस्प्ले टाइप सक्रिय नहीं होता है, एड बटन पर क्लिक करें। एड डिस्प्ले टाइप डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। टाइप्स ड्रॉपडाउन पर क्लिक करें और अपनी जरूरत का डिस्प्ले टाइप चुनें। मैं हाइड्रोजन बॉन्ड चुनूंगी और ओके पर क्लिक करूंगी। हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्प्ले टाइप डिस्प्ले टाइप्स मेनू में प्रदर्शित होता है। अब मैं पोलर मेथनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाऊंगी। हमारे पास पैनल पर एक मीथेन अणु है। दर्शाने के लिए मुझे मीथेन अणुओं के एक समूह की जरूरत है। मीथेन अणुओं को बनाने का एक आसान तरीका ड्रॉ टूल उपयोग करना है। डिफॉल्ट रूप से ड्रॉ सेटिंग्स मेनू में एलिमेंट कार्बन की तरह और बॉन्ड ऑर्डर सिंगल की तरह है। पैनल पर क्लिक करें। एलिमेंट ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और ऑक्सीजन चुनें। फिर मीथेन अणुओं की किसी भी एक हाइड्रोजन पर क्लिक करें। अब हमारे पास पैनल पर मेथनॉल अणुओं का एक समूह है।
Display types में hydrogen bond checkbox पर क्लिक करें। अणुओं को सही दिशा के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। टूलबार पर ऑटो ऑप्टिमाइजेशन टूल को क्लिक करें। बाईं तरफ ऑटो ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स मेनू प्रकट होता है। फोर्स फील्ड ड्रॉपडाउन में MMFF94 चुनें। ऑप्टिमाइज करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। आप हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना पीली डैश्ड रेखाओं की तरह देख सकते हैं। ये रेखाएं एक अणु की हाइड्रोजन और दूसरे की ऑक्सीजन के बीच बनती हैं। ऑटो ऑप्टिमाइजेशन बंद करने के लिए स्टॉप पर क्लिक करें। मैं अब ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दर्शाऊंगी। इसके लिए मैं केमिकल स्ट्रक्चर डेटाबेस से अणु निकालूंगी। पहले खुली हुई विंडो को बंद करें और एक नई विंडो खोलें। फाइल मेन्यू पर क्लिक करके इंपोर्ट पर जाएं। फेच बाय केमिकल नेम पर क्लिक करें। केमिकल नेम टेक्स्ट बॉक्स दिखता है। छोटे अक्षर में ऑर्थो नाइट्रोफिनोल टाइप करें और ओके बटन पर क्लिक करें। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल अणु पैनल पर दिखता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने के लिए आपको पैनल पर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल अणुओं के ग्रुप की जरूरत है। मैंने पैनल पर अणुओं को कॉपी और पेस्ट कर दिया है। सिलेक्शन टूल उपयोग करके अणु चुनें। कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी दबाएं। हाइड्रोजन बॉन्ड चेकबॉक्स पर क्लिक करें। यदि आवश्यक हो तो उचित ओरिएंटेशन के लिए अणुओं को ऑप्टिमाइज करें। ऑप्टिमाइजेशन प्रक्रिया के दौरान अणुओं में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अणु में नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन और हाइड्रो ग्रुप के हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई नापते हैं। टूलबार पर क्लिक टू मेजर आइकन पर क्लिक करें। हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु पर क्लिक करें। पैनल पर नीचे हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई दिखती है। यह स्लाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग का महत्व दिखाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर की अद्वितीय सॉल्वेंट क्षमता निर्धारित और बर्फ की क्रिस्टल संरचना को स्थिर करते हैं। एक साथ डीएनए के अतिरिक्त स्ट्रैंड्स को रखते हैं। प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स की संरचनाओं को निर्धारित और स्थिर करते हैं। एंजाइम कैटालिसिस की क्रियाविधि में शामिल होते हैं। असाइनमेंट में निम्न में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएं। पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, न्यूक्लियोबेसिस, एडेनाइन और यूरेसिल। आपका असाइनमेंट इस प्रकार दिखना चाहिए। निम्न में इंटरहाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें। पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड अणुओं में तथा एडेनाइन और यूरेसिल अणुओं में। अणुओं के लिए फोर्स दिखाने हेतु हमारे पास डिस्प्ले टाइप्स में विकल्प हैं। कुछ वाटर अणुओं के साथ मैं एक नई विंडो खोलती हूँ। डिस्प्ले टाइप्स में फोर्स चेकबॉक्स पर क्लिक करें। हाइड्रोजन बॉन्ड चेकबॉक्स पर क्लिक करें। टूल बार में ऑटो ऑप्टिमाइजेशन टूल आइकन पर क्लिक करें। MMFF94 फोर्स फील्ड चुनें। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। ऑप्टिमाइजेशन प्रक्रिया के दौरान फोर्स डिस्प्ले टाइप हरे एरोज के साथ प्रत्येक परमाणु पर फोर्स दिखाता है। एरोज दिशा और फोर्स की मात्रा दिखाते हैं। जब एक अणु ऑप्टिमाइजेशन के करीब होता है तो एरोज छोटे हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। अब अणु में डाइपोल मोमेंट के लिए। डाइपोल मोमेंट पोलर अणुओं में चार्ज विभाजन के कारण होता है। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। डाइपोल मोमेंट की यूनिट dy होती है। अब मैं हाइड्रोजन साइनाइड और वाटर अणुओं में डाइपोल मोमेंट दिखाऊंगी। एक नई विंडो खोलें। ड्रॉ टूल उपयोग करके पैनल पर हाइड्रोजन साइनाइड अणु बनाएं। हाइड्रोजन चुनें और कार्बन पर एक बॉन्ड बनाएं। नाइट्रोजन चुनें, बॉन्ड ऑर्डर को ट्रिपल चुनें और प्रदर्शित की तरह बॉन्ड बनाएं। MMFF94 फोर्स फील्ड उपयोग करके संरचना को ऑप्टिमाइज करें। डाइपोल मोमेंट दिखाने के लिए डिस्प्ले टाइप्स में डाइपोल चेकबॉक्स पर क्लिक करें। डाइपोल एक लाल रंग के एरो से दिखता है। अनुमानित डाइपोल मोमेंट दिखाने के लिए व्यू मेनू पर
जाएं, properties पर जाएं और molecule properties चुनें। molecule properties window खुलती है। window hydrogen cyanide का अनुमानित dipole moment 0.396 d दिखाती है। उसी प्रकार water का अनुमानित dipole moment 0.245 d है। सारांश में, इस tutorial में हमने सीखा Avogadro configure करना, methanol में intermolecular hydrogen bonding दिखाना, orthonitrophenol में intramolecular hydrogen bonding दिखाना, hydrogen bonds की लंबाई नापना, water अणुओं में force display type दिखाना, hydrogen cyanide और water अणुओं में dipole moment दिखाना। assignment में carbon dioxide और methyl chloride अणुओं के लिए dipole moments दिखाएं, अमोनिया अणुओं के लिए force display type दिखाएं। यह वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं। हमसे संपर्क करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट NMEICT MHRD भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है। यह स्क्रिप्ट जया द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।